अक्टूबर, यस अक्टूबर 1985 में ज्वाइन किया था पुलिस फोर्स। 19 साल हो गए। शुरू के 5 साल तक वर्दी पहनता था और थाने में बैठकर एफआईआर लिखता था। रिवॉल्वर होल्स्टर में रहती थी खामोश। 94 में स्पेशल फोर्स में आ गया, वर्दी उतर गई और बंदूक बोलने लगी। तब से अब तक बस यही चल रहा है। बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा पार्टी ना बहुत पैसा मांग रहा है। ठीक मियां, थोड़ा सा एडवांस देने का उसको। बस एडवांस देगा ना मैं। हाँ तो बात करके रख, मांगता है तो कल पेपर साइन करने आता मैं। कायदा करना चाहते हो? मुझे लगा आप मुझे ठोक दोगे। सर, मेरे को ठोकने आए हो क्या? ठोकना होता अभी ठोक देता। छोटे साहब बुलाए थे, बात करना। कब आएगा मावा? नासिक कब है? 2 दिन पहले। एसीपी साहब ने मुझे मुंबई क्यों बुलाया? मेरे को क्या मालूम, हमको थोड़ी बताएगा क्या काम है तेरे से। बोला लेके आओ, लेके जा रहा। बड़ा साहब जो बोलता है वो हम करते हैं। हाँ साहब, हाँ मैं 2-2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ जी सर, नहीं इधर कसारे के पास चाय पीने को रुका इधर। अच्छा, सब सलमान का बड़ा। सलमान और विवेक का बड़ा? हाँ। क्या लगता है ऐश्वर्या किसको मिलेगी? ऐश्वर्या को जाके पूछना पड़ेगा। तेरा बीबी मायके गया, तेरा तो चांदी है, रोज नया माल है ना। बस क्या साहब, कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं सर। सच्ची? वो कामाटीपुरा में रहती है, वो कौन है? बताना साहब। उधर साहब दो है अपने, एकदम फर्स्ट क्लास आइटम, सच बोलता है फर्स्ट क्लास। आज दोपहर मुंबई नासिक नेशनल हाईवे पर मुंबई क्राइम ब्रांच और अंडरवर्ल्ड के बीच मुठभेड़ में एक खतरनाक गैंगस्टर रफीक सुलेमान की मौत हो गई। मुंबई पुलिस को रफीक सुलेमान की कई दिनों से तलाश थी। रफीक सुलेमान पर एमएलए पटवर्धन की हत्या के अलावा और भी 4 हत्याओं के आरोप थे। बताया गया है कि रफीक सुलेमान अंडरवर्ल्ड डॉन जमीर जाफर के लिए काम करता था। पुलिस की कोशिश रफीक को गिरफ्तार करने की थी, मगर रफीक ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदले में पुलिस को भी फायर ओपन करना पड़ा। देखिए मैडम, हमें कुछ पता नहीं। मैं पिछले 2 महीनों में ये 5वां मौका है जब इंस्पेक्टर साधु अगाशे ने जमीर जाफर गैंग को अपना निशाना बनाया है। शिवानी रॉय रिपोर्टिंग, स्टार न्यूज। प्रधान साहब, ये प्रेस वाले आजकल आपके डिपार्टमेंट को
पुलिस का अंडरवर्ल्ड बोल रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर, रफीक को बिना एविडेंस कोर्ट में खड़ा करे छूट जाता और चार पांच लोगों को मारता। एक क्रिमिनल को मारने से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान बच जाए तो प्रॉब्लम क्या है? हो भी सकता है, लेकिन देशमुख साहब का केवल इतना ही कंसर्न है कि आपके इस डिपार्टमेंट की वजह से पूरे पुलिस फोर्स की रिपुटेशन खराब हो रही है। नॉट फेयर सर, उनको मालूम है कि इस डिपार्टमेंट की वजह से मुंबई शहर में आज थोड़ी बहुत शांति है। ये भी तो है, वो ऑफिसर वही है ना, साधु साधु आगाशे। साधु आजकल हीरो बन रहा है। मेरे गैर हाजिरी में यहाँ जिम्मेदार कौन है? तो क्या सर? Excuse, sir. Hey, Francis. वो भिंडी में रफीक की बहन रहती है, उसको खबर कर देना। एक जरा सिगरेट दे सर। जहांगीर भेंद्रा रहे सर। कब? 7 बजे। किच्छू तेरे खबर दी तेरे को? नहीं सर, बिल्कुल पक्की खबर है सर। मैं अब जाऊं? अगर वक्त खराब करना है तो जाओ। क्यों सर? जहांगीर अमरावती में, मुझे खबर मिली। हो तो सकता है सर आपकी खबर गलत हो, मेरी सर। ऐसे हुआ है पहले कभी? कहीं जाने की जरूरत नहीं, पिछले कैसे उसका फॉलोअप करो। एक ही आदमी काम करता है सीआईओ, हम तो सिर्फ हलवाई करने आते हैं। मैं घर की करने तू क्यों जाता उनके साथ? देखो मेरे को नहीं पढ़ने का, तुम दोनों के लफड़े में बस घर जाने का, यहाँ से थोड़ा टीवी देखने का, थोड़ा बीवी को देखने का, थोड़ा सो जाने का। मेरे को शौक नहीं है पेपर में फोटो देखने का और गिनती बढ़ाने का। ये सब तुम लोग करो। हेलो, फ्रांसिस। ए एमटी, वो डोंबिवली वाला केस है ना, उसका फॉलोअप करो। मुझे लगता है उसकी खबर सही है। ओके सर। दो कांस्टेबल लेके जाए। ए नारायण सर, पहले कवर। राइट सर। थकला है सर? नहीं सर। ओके नो सर। चल अब सर। काम दिया या एहसान दिया, व्हाटएवर मैन, एक और एंट्री हो गया ना तेरा लाल डायरी में, बस। मुझे नहीं जाना समीर के घर में। जब देखो अप्पा के बारे में पूछता रहता है, उसके डैडी के बारे में मैं तो कभी नहीं पूछता, फिर भी। राम राम। हेलो, हाँ आशिता। हाँ वो दाल और ड्रमस्टिक कुक करके रखा है ना, इमली पानी भी। ठीक है, अभी सब एक साथ मिला के उसमें जो सांभर पाउडर दी है मैंने वो 2 चम्मच डाल। हाँ हाँ, मिक्स करके फिर तड़का घी में डाल, वही अच्छा है। हाँ हाँ, घी में मस्टर्ड और मेथी। हाँ और उसके साथ कायम को क्या बोलते हैं, हिंग भी डाल। ठीक है, और ये करी पत्ता और कोथमीर मत भूलना। हाँ बना के टेस्ट करके फिर फोन करो। हाँ थोड़ा इधर भी भेजने को बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं। ओके बाय। अमन, रोबर्ट
क्यों करते हो? पिकल चाहिए? मैंने कुछ सवाल किया, उसका जवाब चाहिए। क्या जवाब दूं? अप्पा, यू नो AK-47 की मैगजीन में कितने बुलेट्स होते हैं? मेरे बैग को छुआ था? नहीं अप्पा, इस किताब में लिखा है। प्रोग्रेस कार्ड मिला है? हाँ। लेकिन अभी 2 मिनट में रेडी होते, इसलिए मैं तुझे ड्रॉप नहीं करता। अरे तुम भी तो तैयार नहीं हो। नहीं, शर्ट पहनने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा बाबा, साड़ी बदल के अभी आती हूँ। साड़ी पहनेगी तब तक मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अरे मैं सब समझता, तू किसके कहने पे मेरा गैंग खत्म कर रहा है। ए जल्दी कर। क्या रे, अफीम खाया क्या सुबह सुबह? क्या बोल रहा था? तुम पुलिस लोग का जात क्या है मैं जानता। ए जात का मेरे को मत बता, समझा ना? नाम भी नहीं याद आता होगा। जास्ती बोलने का नहीं। ए जास्ती सुनने का भी नहीं। सुबह तो फिर तू बात करना, ये ले मेरी बीवी टीचर है, उससे बात कर, वो समझाएगी तेरे को। ये ले देख, शेखर तेरे को जितना देता उसका डबल देगा मैं। लेकिन मेरा आदमी लोग को मारना बंद कर दे, नहीं तो मुंबई में टिकने नहीं देगा तेरे को मैं। अरे तुम दबा के बैठा उधर, मेरे को धमका रहा है, मुंबई से हटाएगा मेरे को? तू है, तेरा फैमिली भी है, सोच ले। ए जमीर, कुल मिला के 150 का गैंग नहीं होगा तेरा, 40,000 का गैंग है मेरा पुलिस का, समझ में नहीं आएगा कहाँ ठोक दिया। और क्या बोलता रे, राजशेखर से पैसा लेता मैं? राजशेखर का 16 आदमी को मारा, किसी का शानपति नहीं चलता मेरे साथ। लेफ्ट जाना, चक्कर में भूल गया। क्या भूल गया रे, सब तो बोल दिया तूने। अरे तेरे जने बीवी से बात करता है मेरे से, होल्ड ऑन, टेक द लेफ्ट, आगे से लेता हूँ। हाँ बोल। बहुत गर्मी है तेरी खोपड़ी में। हाँ, जिस गाड़ी में घूमता है ना, RDX लगा के उड़ा देगा। RDX कितना लोगों को मारा आज तक तूने? अपने हाथ से बता। 2, 5, 10, 50 के ऊपर ठोका मैंने आज तक, समझाना? ए प्लेन पकड़ के आ जा इधर, एयरपोर्ट पे ही ठोक दूंगा तेरे को। उधर बैठ के हिचके बापी क्या बात कर रहा है रे मेरे से? ये ले। ए जमीर, होल्ड कर रे इधर। ए शाम को लेने आऊं क्या तेरे को? नहीं नहीं, सुबह सुबह मेरे काम तृप्त हो गया और नहीं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। हाँ बोल रहे, काय को और टेंशन लेता है तुम? टेंशन काय का, सरकार पगार देती है गोली चलाने का, तेरे जैसे लोगों को ठोकता हूँ तो मेडल मिल जाता है। तुम लोग सोसाइटी का कचरा है, मैं सोसाइटी का जमादार हूँ, समझाना? काम अच्छा नहीं लेकिन करना पड़ता है। बात तो सही है साधु साहब। साधु साहब अभी थोड़ी देर पहले अभी साहब हो गया, कह रहे ज्यादा लोग को साहब नहीं बोलता मैं। मस्का नहीं रे चल। अरे क्या साधु साहब, थोड़ा बहुत तो देखने का ना। क्या देखने का? हाईगिरी बंद कर, मैं गोली चलाना बंद करेगा। मोबाइल का कितना बिल बढ़ाएगा मेरा? तेरे जैसा 2 नंबर का पैसा नहीं है, हैं? सरकारी पैसा है। ठीक है साधु साहब, अभी मैच भी शुरू होने वाला है, आप देख रहे हैं क्या मैच? मेरा लाइव मैच चल रहा है ना तेरे खिलाड़ियों के साथ। ठीक है साधु साहब, बाद में फोन कर लेता हूँ। अरे करना है कर, ना कर मेरे को क्या फर्क पड़ता है। क्या बोला क्या? क्या बोलेगा मेरे को, क्या बोलेगा? वैसे उसका बोलना भी ठीक है और ठीक ना भी होता तो क्या झक मार दिया? मेरे को भी गोली चलानी पड़ी, खाली पूछा फिरोज के बारे में, उसको लगा खोपड़ी खोलने आया, फायर करने लगा, उसको भी गोली चलानी पड़ी। पोस्टमार्टम में लफड़ा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, 4 फुट दूर से मरा। छाती पे? हाँ। कार्बन तो नहीं आएगा ना? नहीं, कोई टेंशन, सब ठीक करके। 41 हो गए,
मुद्दे माल में एंट्री कर लेना। चल चल नारायण टीवी लगाओ, मैच शुरू हो गया। इंस्पेक्टर साधु अगर से कहाँ मिलेंगे? क्या काम है? मुझे चार्ज लेना था। तो है जतिन शुक्ला। यस सर। शक्ल से तो टीवी सीरियल का हीरो लगता है। सर आप सब इंस्पेक्टर इम्तियाज सिद्दीकी है ना? पहले कब मिले थे? मिले नहीं है सर, मैंने आपकी तस्वीरें अखबारों में देखी है। तेरे को भी एनकाउंटर का शौक है या हीरो बनने आया है? पहले कहाँ पोस्टिंग थी? जुहू में। वहाँ क्या कुत्ते भगाता था? वो क्या है, पैसे वालों का इलाका है ना, रात को जब कुत्ते भौंकते हैं ना तो पुलिस को फोन करते हैं कुत्ते भगाओ, और पुलिस कुत्ते भगाती रहती। एयरपोर्ट मांगी रे क्या? सर बैठने दे, बैठ। नाम क्या है? जतिन शुक्ला। बाप नहीं है क्या? है सर, गांव में। तो पूरा नाम बोल। जतिन जनार्दन शुक्ला। शादी किया क्या? नो सर। हिच शोए हुए हैं? गर्लफ्रेंड? फियांसी। फियांसी? क्या स्पेलिंग है फियांसी का? सर फियांसी का स्पेलिंग क्या है? FIANCEE। बड़ा क्या फ्रांसिस यहाँ से? मेरे को नहीं लगता है 250 के ऊपर करेंगे ये लोग। वो तेरा बुके है, उससे बात कर दे कुछ। उसको करो क्या फोन? कर कर। CI का काम क्या है रे? सर अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स को कंट्रोल में रखना। कंट्रोल में नहीं, शूट करने का, कंट्रोल में नहीं रखने का। पता है सर? पता है तो बोला था, तो नहीं बोलना क्या सर, करके दिखाऊंगा ना। नाइस मीटिंग यू। बैठ बैठ बैठ। साला उठाता ही नहीं। नहीं उठाएगा, ये मैच फिक्स नहीं है, जीतेगा। लॉकअप में किसको तोड़ा क्या कभी? बहुत बार सर। कभी सोचा सही किया गलत किया? सोचूंगा तो करूंगा कैसे। हेलो। यस सर। यस सर अभी पहुंच जाते। In our department, we kill only two things. When we get information, we kill criminals. When we don't have information, we kill time. Don't be restless, be patient. Yes, sir. कभी मुर्गी काटा है क्या हाथ से? ऐसा तड़पता हुआ देखा है कभी? नहीं सर। क्रिमिनल के आंख में आग डाल के इधर पिस्तौल रख के गोली मार सकता है? हग देगा पैंट में? फिर भी मारूंगा सर। लेकिन हगेगा जरूर। चल। और जो मैंने सीड मनी जो डाला है ना 200 करोड़ रुपया, सब डूब जाए। कुछ नहीं होगा यार, तू फिर भी एस क्लास मर्सिडीज में घूमेगा,
चार्टर्ड फ्लाइट लेकर क्रिकेट मैच देखने जाएगा? मैं कल से साधु कह रहे तुम परवानगी कभी बसना लगे वाड़िया इंडस्ट्रियलिस्ट 600 करोड़ कर्जा लिया जानता ना? दो मिनट रुस्तो कंग्रेचुलेशन थैंक यू सर ये रख ले देखना अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना सर रिजल्ट जल्दी चाहिए सर चलो ओके ओके बाय अरे साधु सर ये अमन का हाथ कैसा है अभी प्लास्टर में है तो ठीक है निकलेगा तो फिर तोड़ देंगे ओके सर बाय हेलो विनोद भाई है क्या उधर आप कौन अरे मैं कोई भी है विनोद भाई से बात करने का मेरे को है क्या विनोद भाई तो नहीं है किधर है बाहर गए हैं जरा अच्छा एक मैसेज देने का था उनको मैडम आप कौन बोलते हैं मैं दुबई से बोलता है दुबई से बोलते हैं आप हाँ दुबई से अपना साहब को एक मैसेज दे सकती क्या आप क्या मैसेज एक नंबर देता मैं आपको हाँ बोलिए 00 हाँ 971 00 हाँ 00 00 971 अभी बोले 00 अरे उसके बाद 971 97100 के बाद 97 991 की 991 अरे पहले 971 फिर 991 पहले तो 00 अरे अभी मुझे बात सुन पूरा नंबर लिख चुपचाप है 00971991501678 साहब कितना बड़ा नंबर है एक बार और बोलिए ना साहब तेरे नंबर की माँ की आँख खाली नंबर दे विनोद भाई को और बोल के इस नंबर पे कल की तारीख में जमीर भाई से बात कर क्या बोलता है कहाँ से कॉल था दुबई से बेटा इंटरनेशनल कार्ड दुबई से कार्ड खरीदो बॉम्बे से फोन करो फिनिश ए फ्रांसिस रिमाइंड कर इस नंबर पे कल की तारीख में जमीर भाई से बात कर लेंगे नहीं तो गोली मार देंगे ऑफिस में आके इसको नंबर दे और बोलना कि बोरीवली में जैसे उसको दोस्त को टपकाया था ना 4 महीने पहले वैसे टपका देंगे साले मेरे इस शेट्टी का मर्डर हुआ था 3 लोग था ना उसमें 2 को सावन ने टपकाया था दहिसर में तीसरा कौन था दामोदर ने फ्रांसिस हार्डकोपर से तू और किशोर और शब्बीर को उठा ले गुड्डू को उठा धारावी से नारायण को लेके कौन था रे गुड्डू कम एकदम से कोई पकड़ में नहीं आता इसलिए जिनके ऊपर शक है सबको अंदर लेना पड़ता है फिर मगजमारी करो वैसे ये विलास जमीर का खास आदमी है सर इसको पहले नहीं अंदर किया आपने 2-4 बार अंदर किया था लेकिन कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली अब की बार देखते हैं तू लीड करेगा सर तू लीड करेगा क्या करूंगा सर करूंगा मैं कवर करता हूं तुझे ये ले आगे से राइट ले चल 2 मिनट रुकने का मैं ना के आता हूँ थाने में चल साधु साहब घड़ी घड़ी काहे को उठवाते मेरे को
मैं कुछ नहीं किया, मैं बोलो ना, मैं कुछ नहीं किया। आजा, आ। सर मुझे लगा वो शूट करने वाला है इसलिए मैंने उसे। क्या ये तूने किसको ठोका मालूम है? 8 साल से फरार था, डिपार्टमेंट के हाथ नहीं लगा, जो बाहर पड़ा है ना उसे खतरनाक गुंडा है ये। कमाल है सर, जिंदा हॉस्पिटल ले जाए इसको। पागल है, ठोक दे। कैसा लग रहा है? सर लग रहा है जैसे मैंने अपनी सोसाइटी, अपने देश के लिए कुछ किया सर। डोंट गिव मी दिस बुलशिट सर। सोसाइटी, देश, ऐसा कुछ नहीं होता यार। तू खुश है कि तू जिंदा है? नो सर। अरे ऐसा ही होता है, वहां जब रहता है ये सोसाइटी, दुनिया कुछ याद नहीं आती, कंट्री वेंट्री कुछ नहीं, अपनी जान बस, नथिंग रॉन्ग इन इट। मेरे को भी ऐसा ही लगा था पहले। सोसाइटी वगैरह छोड़ दे पॉलिटिशियंस के लिए। रात को आजा खाना खाने को। वो तेरी सहेली है उसको लेके आ, क्या नाम है उसका? वैशाली। क्या? वैशाली। अरे क्या रे तुम नॉर्थ इंडियंस, कैसा प्रोनाउंस करते हैं? वैशाली, वैशाली बोलो, वैशाली, वैशाली, वैशाली। हाँ उसको लेके आओ। मेरी बीवी नमिता, जतिन, जतिन। अरे कितने बजे हैं? कमान 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 कमान, बी कंफर्टेबल। नहीं नहीं चलो, चल मेजर ड्रिंक मेक अप मी आल्सो। कुछ काम करती हो? जी मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हमारे कॉलेज में भी अभी अभी शुरू हुआ है। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ 10 साल से। ओह दैट्स नाइस। आप कुकिंग करते हैं, मुझे पता नहीं था। सांभर, सांभर में है क्या? ड्रमस्टिक डाल लेने का, कुकर में एक सीटी मार देने का, उतारने का, इमली का पानी, 2 चम्मच सांभर का मसाला, बाद में तड़का, तड़के में असली घी, तेल से नहीं, तेल से मज़ा नहीं आता, उसमें मेथी, मस्टर्ड, कड़ी पत्ता और कोथिंबीर, कोथिंबीर मतलब धनिया, और कायम। कायम 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 कायम। अरे नमो, ओ कायम को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कायम, कायम को क्या बोलते हैं? हिंग हिंग हिंग, खुशबू बहुत अच्छी। नाटक कर रहे हैं, मैंने सब कुछ बना कर रखा। हमारे यहाँ सुबह में सांबा, दोपहर में सांबा, रात को सांबा, टेबल फूड। तुम दोनों साथ रहते हो? जी। कितने साल से? चार साल। खुशबू कैसे? या वेरी नाइस, नाइस या कम 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 चलो प्लीज। थैंक यू। साहब मैंने किसी को फोन पे धमकी नहीं दिया। मालूम है। फिर क्यों उठा लाए मेरे को? Thank you.
अगर मैं तेरे को नहीं उठाऊंगा तो कल फ्रंट पेज पे फोटो कैसे छपेगा उसका? किसका साहब? अरे जतिन, कांग्रेचुलेशंस। क्या पाटली फोटली गए? अभिनंदन यार, आते ही शुरू कर दिया। गुड, कांग्रेस। मुबारक हो मिस्टर जतिन शुक्ला। तो पहले दिन खून चख लिया तुमने। दो ही लोग थे? हाँ। साधु सर ने लीड किया? नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा लीड करने। अरे वाह, पहले ओवर में दो विकेट, गुड जॉब डन। क्या गुड जॉब? हाँ नहीं, ये कोई तरीका हुआ? अरे ये पहला दिन था उसका। पहले दिन खड़ा कर दिया, वो भी एक ऐसे मंजे हुए गैंगस्टर के सामने। मर जाता तो? अरे यार, लेकिन मार के तो आया ना। किस्मत अच्छी थी, मार के आया। कोई एक्सपीरियंस है उसको अभी तक? हाँ, और साधु सर को तो कुछ सोचना चाहिए ना। एक जूनियर ऑफिसर की सेफ्टी की जिम्मेवारी किसकी होती है बताओ? सीनियर ऑफिसर। बस कर यार। नहीं यार, इस तरह हर कोई अपनी मर्जी से चलाएगा इस डिपार्टमेंट को तो कैसे चलेगा बताओ? अब अच्छा एक बात बताओ, तेरे मेरे जैसे सीनियर ऑफिसर्स को छोड़कर एक कल के छोकरे के जानताओं पे लगा दी? अरे पहले उसको ट्रेन तो हो जाने दो। नहीं, मान लिया बहादुर बच्चा है, ट्रेनिंग। जा तो नीचे, मैं आ रहा। एमटी इधर आ रहे। क्या प्रॉब्लम है रे तुझे मुझसे? कुछ नहीं सर। हाँ नहीं है? हाँ, तू सोचता है तुझसे ज्यादा लोगों को मैंने टपकाया है? पेपर वाले मेरे बारे में ज्यादा लिखते हैं, मेरी फोटो ज्यादा छपती है। जिनको मालूम नहीं है ना, उनसे जाकर बोल। असलम को ठोकने भेजा, शेख को ठोका, लुल्ला को ठोका। देखिए सर, अपना काम ही ऐसा है कि कई बार गेहूं के साथ खून पिसा जाता है, और फिर मैं पहला इंसान तो हूं नहीं जिससे ऐसी गलती हुई हो। देख, सच तो यह है तू अपनी गिनती बढ़ाना चाहता है। अपनी लाल डायरी में नंबर बढ़ाने का चस्का लगा है तुझे। पावर का गलत इस्तेमाल करता है। ये डाय रे। तू भी अभी खेला कर, नहीं तो गोली चलाते चलाते कब बूढ़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी वक्त है सर। मैं भी यही सोचता था, लेकिन कब बाल सफेद हो गए, कब बच्चे बड़े हो गए, और अचानक रिटायरमेंट का टाइम आ गया, पता नहीं चला। तेरा नया जेसीपी सूचक आ गया है, कल सुबह चार्ज देके फ्री हो जाता हूँ। आप चले जाएंगे तो ये सब कैसे चलेगा? पहले कैसे चलता था? कुछ एरियास का इम्प्रूवमेंट जरूरी है। क्राइम ब्रांच के काम करने के ढंग से काफी लोग नाखुश हैं। कई सोशल वर्कर्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पेटिशंस फाइल की हैं कोर्ट में। योर कमेंट्स? पुलिस के पास सबूत है इस बात की कि एक काम भी अंडरवर्ल्ड की कहने पर हुआ है। अंडरवर्ल्ड ने अपने आदमियों के जरिए पिटीशन फाइल करवाते रहते हैं। अंडरवर्ल्ड ने प्रेशर डाला है उनके ऊपर, और उन्होंने किया है। लेकिन सर, गैंगस्टर्स और पुलिस की लड़ाई में सिर्फ गैंगस्टर्स ही क्यों मरते हैं? इट्स एक्चुअली वेरी सैड कि मीडिया एक गैंगस्टर की मौत फ्रंट पेज पर छापती है। अगर कोई पुलिस वाला मरे तो उसे अंदर किसी पेज पर फुटनोट की तरह। अब जो प्रेस वाले डिसाइड करते हैं ना कि अखबार कैसा भेजा जाए। सर एक छोटा सा सवाल, 97 में जो शूट आउट हुआ था, क्या आप दोबारा वो फाइल ओपन करना चाहेंगे? सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच।
वेलकम टू मुंबई सर। इम्तियाज? बिल्कुल सर, मैं इम्तियाज ही हूँ। हाउ आर यू ऑफिसर? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? लगता है पुराने जान पहचान है। हाँ शायद, ताय नहीं पहले कभी। बताता तो तू क्या करता, समोसा ही खाता था। आइए सर, मैं बाकी लोगों से मिलवाता हूँ आपको, अपने डिपार्टमेंट के मेरे कुलीग्स जतिन सर, फ्रांसिस, नारायण और इनको तो आप जानते ही हैं। साधु सर। इन्हीं को नहीं जानता है, साधु आकाशी। प्रेस ने तो आपको हीरो बना दिया है। प्रेस वाले तो किसी को कुछ भी बना देते हैं। आई एम ग्लैड टू दैट यू नो। राकेश है तुम्हारे खिलाफ, दो विड्रॉ किए हैं। सवाल ये नहीं है कि केसेस विड्रॉ हुए या नहीं, सवाल ये है कि केसेस क्यों हुए हैं एक इंस्पेक्टर के खिलाफ। एक्चुअली नो एक्सप्लेनेशन। एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस हुआ तो विधानसभा में 2 महीने तक पुलिस डिपार्टमेंट का कपड़ा उतर जाते हैं। How can you be so irresponsible? साहब को सब कुछ पता है। पता तो होगा ही, सीनियर जो है। सर, आपको सुचक साहब ने बुलाया। थैंक यू। सर। साधु। सर, मेरी एक सिंपल फिलॉसफी है, जो रिजल्ट नहीं देता है वो टीम में नहीं होना चाहिए। सर, आफ्टर ऑल जूनियर ऑफिसर्स का काम होता है सीनियर ऑफिसर को फुल कोऑपरेशन देना विदाउट एनी क्वेश्चन। अंडरस्टैंड सर? ओके ओके। तू मेरे बारे में क्या सोचता है, या सूचक के बारे में क्या सोचता है, या सूचक मेरे बारे में और तेरे बारे में क्या सोचता है, इससे डिपार्टमेंट को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। साधु, डोंट फॉरगेट, हमारे पहले भी ये दुनिया थी, हमारे बाद में भी ये दुनिया रहेगी। सर। सर, इम्तियाज सर क्यों, मतलब बहुत कड़वाहट है सर उनमें। आपके बारे में शायद अच्छे ओपिनियन नहीं रखते हैं सर वो। मैंने अपने बीवी से भी यही कहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। एक के ओपिनियन से क्या होता है यार। सर, अगर वो आपके सीनियर ऑफिसर के करीब जो हो तो बहुत कुछ हो सकता है सर। बहुत जल्दी अकल की दाढ़ निकल आई तेरी। देखिए, सीनियर ऑफिसर्स है ना, मौसम की तरह होते हैं, बदलते रहते हैं। गाड़ी बाहर लो। एक नहीं, चार चार। इसने आपका नाम लिया सांसद, इसलिए हम लोग रुके नहीं तो। कितना गाड़ी है? छह। चार नहीं, छह गाड़ी उठाया। छह? केस मत बना। ये सब पुलिस केस तो हो चुका है, रिकॉर्ड में लिख दे। 2 गाड़ी सांताक्रूज मिला, 2 गाड़ी गोरेगांव में मिला,
ये भी बोलना पड़ेगा क्या? बाकी का मैं देख लूंगा। जी सर। मुझे मालूम था साहब आप मेरे लिए इधर ही रुकेंगे। थैंक यू। हाँ, 10 दिन में 6-6 गाड़ी, वो भी एक ही एरिया में, मरेगा एक दिन। क्या करेगा साहब, पैसा मांगता था। अब कौन बीमार है भाई? वो खोल रहे, कोई छोटा गड्डी दे। जा किसी अच्छे अस्पताल में लेके जा। और तेरे को पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू खबर देता, तेरा भाई बीमार है इसलिए दिया, समझा ना? ये जतिन साहब है, मेरे को जो बोलता है उनको बोलने का। क्या राम राम करना? चल जाओ, अभी मैं आएगा तेरे भाई को देखने को, समझा ना? हैं? और ये कम कर, चल जा चल। पहली बार एक पुलिस ऑफिसर को दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देते हुए देखा। पुलिस वाला भी इंसान ही है ना। अपने डिपार्टमेंट में भी वही है, तू मेरी खुजा में तेरी खुजा था। अभी देख, मैं बहुत लोगों के हिट लिस्ट पे है, कोई मारने आएगा तो मैं ऊपर से ऑर्डर तो लेने नहीं जाएगा ना, मैं तो अपना घोड़ा निकालूंगा। सेल्फ डिफेंस का जिम्मेदारी डिपार्टमेंट पर नहीं है, अपने को खुद को करना पड़ता है, तू तो जानता है। किसको मार दिया तो मेडल मिलेगा, मिलेगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन गलती किया तो सीधा ऊपर, 2 लाख रुपया मिलेगा घर वालों को। सर ये थोड़ा अजीब नहीं है? पुलिस का नौकरी ही अजीब है। लाल बत्ती देख के रुकेगा तो गुंडा भागेगा, सिग्नल तोड़ना पड़ता है, सीनियर लोगों को मालूम होता है, चलता है। थैंक यू सर। काम क्या कर रहा है आज? सर बांद्रा में एक को उठाया, उसका इंटरोगेशन चल रहा है। देख एक काम कर, पुणे जाना है अभी के अभी। पुणे का एयरपोर्ट पर ये दोनों आदमी को रिसीव करना सर, फिर वो लोग जो बोले वो कर देना। नहीं रे, दिल्ली के कोई दो बंदे थे, मैं नहीं जानता उन्हें। पुना घुमाता रहा कैंप में, गए बाद में एक नीचे उतरा, दूसरे ने बोला इसे ठोक दे, मैंने ठोक दिया, फिर दूसरे को एयरपोर्ट छोड़ा पुना में, घर गया, नहाया धोया, खाना खाया, सो गया। सर बगैर जाने की आदमी कौन है? आपने गोली कैसे चला दी? अब सूचक साहब बोला करो, मैंने किया। अब एक पुलिस इंस्पेक्टर ज्वाइंट कमिश्नर के साथ क्या आर्ग्यूमेंट करेगा? उनको भी कोई बड़ा साहब बोला होगा। हम सब सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम डिसाइड करता है, अपन फॉलो करते हैं। फिर भी अभी बॉर्डर पे जवान लोगों को बोलता है जाओ मारो उनको, हो जाता है मारता है, उनको मालूम होता है किसको मार रहे हैं, क्या किया उन्होंने, फिर भी मारता है ना। सर कम से कम उन्हें इतना तो पता होता है कि दुश्मन कौन है। कौन बोलता है उनको ये दुश्मन है? कौन बोलता है? दिल्ली में बैठा हुआ बाबू बोलता है ना, मिनिस्ट्री बोलता है ना, वैसा मेरे को बोला। लेकिन अल्टीमेटली गोली तो आप चला दे, उसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? अपने को सोचने का अलाउड नहीं है, अपने को सिर्फ उंगली है घोड़ा खींचने का। मेरी समझ में नहीं आता सर। अभी मैं तेरे को बोला इसको ठोक दे, ठोकेगा कि नहीं तू? मैं तेरा सीनियर ऑफिसर बोला ठोक दे, ठोकेगा कि नहीं? ठोकूंगा सर। बस। ए फ्रांसिस, हां वहां क्या मुद्रा है? अंदर बास मार रहा है। एक नंबर का जुआरी है, पुलिस खाते में कैसे आया? चार जोकरों के साथ खेल रहा हूँ। हाँ। दो ताश में और दो सामने, एक बगल में बैठा है अभी। एक पिक्चर हिट हुआ तो वहां से फोन आना शुरू, बीटी जिंता बिपाशा किसको फोन नहीं आया यार। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू।
भाभी कहाँ है? भाभी। अरे इम्तियाज, ये आपके लिए फूल। बात मत करो मुझसे। आपसे भी? बिल्कुल नहीं, ईद के दिन भी नहीं बुलाया तुमने। अरे मुबारकबाद तो दो। मुबारकबाद क्या भाभी, मेरा बस चले तो मैं आपको परमवीर चक्र दे दूं। क्या? साधु सर के साथ 15 साल बिताना, कोई मजाक है? अरे एक मिनट। नमा। Hey. एनिवर्सरी साधु साहेब। जमीर, फूल भेजा था आपको, मिला क्या? अरे तूने तो पूरा बगीचा भेज दिया, तू नहीं आया? अरे साधु साहेब, इतना जल्दी नहीं मेरे को ऊपर जाने का। तुझे किसने बोला तू ऊपर जाएगा? तू तो जमीन में जाएगा। साधु साहेब, आप भी आएंगे ना मेरे साथ नीचे जमीन में? हाँ, पहले तुझे पहुँचा देता हूँ, फिर आता हूँ तेरे पीछे पीछे। ये फूल भेजा तो ये मत समझना है तेरे को कंसेशन मिलेगा। क्या करूं साधु साहेब, आप कहे तो भाभी जी के लिए डायमंड सेट भेजूं बेल्जियम का। अरे चुप रहे, तेरी भाभी खुश है जो मिलता है उसमें। तेरी 3 बीबियां है ना, उनको डायमंड से सजा समझा कि नहीं? बस कर अब। ठीक है, रख देते हम। एंजॉय द पार्टी। हां, खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। आप कुछ खा ही नहीं रही है, खाओ ना। Every time this man calls, you get tense. Who is he? Friend. Business friend. Then why do you get so hassled? Gives you much tension. Why? I like it here. Go! Hello? खाली प्लेट? मार खाने का शौक है क्या? मालूम होता तो बोलता आप लोगों को। रोड डाल के घर में तेरे अंदर। जान पति नहीं। जल्दी बता। कब आ रहा है? क्या चल रहा है सर? वो इम्तियाज किसी को उठा के लाए। किसका? सर विनोद करके इंक्वायरी चल रही है। अरे खोलना। खोलना है। किसके कहने पे उठा के लाया इसे? मेरे कहने पे उठाया सर। क्या? इसके पास इंफॉर्मेशन है सर। मुझसे पूछा था आपका सेल बंद था सर। मेरा सेल कभी बंद होता है? से छोड़ के आप चला चल दे। किसी के भी कहने पे किसी को भी उठा के लेके आते हैं। गलती उनकी नहीं सर, ऑर्डर मैंने दिया। गलती उन्हीं की है।
उन्हें मालूम होना चाहिए किसका ऑर्डर लेने का। ये मनमानी बंद कर दो। किसी की भी मनमानी चलती है यहां पर? तेरी मेरी नारायण की चलती है किसी की? बोल। सिंथियास के चक्कर में कैसे आया तू? मैं तो सुबह सुबह काम करने के लिए आया था, आगे आके ले गया। पूछ रहा था कोई इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तेरे पास, है ना? मगर जिनके लिए उनको बताऊंगा ना। अब बोल बोल। सूरज आ रहा है, उसका हमारे रहते ना उधर बोरीवली में, तो बोले थे वो बीमार है, उसको देखने के लिए आ रहा है। किधर से आ रहा है, कैसे आ रहा है मालूम नहीं, पर लेकिन जुम्मे के रोज पहुंच रहा है। ये वही फिरोज है ना? वही फिरोज है। वापस में बात करते, अपना निशाना अगर फिरोज के जैसा होता ना तो अक्खा मुंबई पे राज करते। अब ऐसा स्टाफ शूटर कौन है? फिरोज, राजशेखर का आदमी, तो तुम मालूम है साहब। हाँ, फिरोज बम्बई आया है, संभाल के। इस बार शिंदे की तरफ से चार कोड़े ठोक दूंगा उसके। पिछले एनकाउंटर में दो पुलिस वाले को मार डाला। सर टिप कहाँ से मिलेगा? जैकेट पहन ले। हाँ साहब, वो फिरोज का टिप मिला। हाँ, नहीं अभी जाना पड़ेगा, ठोक देते सर। अच्छा ठीक। ए हुरून जाओ ना करे, उसको मारने का ऑर्डर नहीं है। आगे का कुछ लिंक लेना है फिरोज से, सूचक साहब को। अपने तरफ से कोई फायर ओपन नहीं करेगा, अगर जरूरत पड़ा तो कमर के नीचे, समझा ना? केशव, स्टेशन डायरी में एंट्री कर, लेट फॉर इंक्वायरी।
your choice. You buy. My phone. हाँ बोल भाई, खुशखबरी है, फिरोज पकड़ा गया। कभी? कल। अरे आधा खुशखबरी सुनाया तू, पूरा नहीं। हाँ भाई, कसम से भाई, राजशेखर को तो हार्ट अटैक आया होगा। हाँ तेरा नेटवर्क कमाल का है जमीर। तेरे को पता चल गया क्या? ये ऐसा क्यों करते हैं साधु साहब आप? कैसा मेरा आदमी होता तो आप 100% ठोक देते। तेरे से सीखूंगा क्या किसको अरेस्ट करने का किसको ठोकने का? अरे साहब, अगर मेरे कहने पे आपकी बंदूक चलने लगे ना तो उसमें आपका काफी फायदा है और मेरा भी। नाटक बंद कर काम करने दे मेरे को, चल। वही तो बोल रहा हूँ साहब, काम भी हो नाम भी हो साथ में थोड़ा सा दाम भी हो तो क्या बुरा है। और तेरे जैसे कमीने की नींद भी हराम हो तो और मजा आएगा ना। ये महाभारत के कैरेक्टर जैसा हंसता है। साधु साहब, आपसे जीतना बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल सही कहा तूने। सर मैंने सुना वो फायरिंग में फिरोज की मां मर गई, सही है क्या? हाँ बुरा हो गया, एक्सीडेंट था। जरा संभल के रहना साधु साहब, मौका मिलते ही पलट के मारेगा। फिरोज बहुत खतरनाक आदमी है। मैं देख लूंगा, चल। खुदा महफूज रखे तुझे मुझसे। सर आपका फोन है। कौन है सर? अर्जेंट है, आप बोलो। हेलो साधु, कोर्ट के बाहर शूट आउट हुआ रहे, फिरोज भाग गया। कोर्ट मैरिज कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो, दैट्स गुड। सर रिसेप्शन पे जरूर आना। आऊंगा, नाचूंगा, लो पानी लो। वैशाली बहुत खुश होगी। वैशाली बहुत खुश होगी। दैट्स गुड। भाभी सर को कार्ड दिया, आप लोगों ने आना जरूर है। ऑफ कोर्स, नहीं बुलाओगे तो भी मैं आऊंगी। अच्छा वैशाली कैसी है? वैशाली ठीक है। भाभी उसने एक अजीब सा मैसेज भेजा आपके लिए। क्या? कह रही थी भाभी से कहना मुझे मेरा गधा मिल गया। चक्कर क्या भाभी? तो उससे पूछना। वो कह रही है आपसे पूछने, आप कह रहे हो उससे पूछने। <यो। laughs>
शादी ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो हमारी शादी। इधर उधर भाग रहे थे जैसे कि चोरी की है, पुलिस पीछे लगवाई थी तेरे बाप ने। आप पति पैसा देंगे हा? मेरे बाप के बारे में मत बोलो। अरे कैसे नहीं बोलेगा, कितना परेशान किया है तेरे बाप ने, कैसा खड़ूस है रे तेरा बाप, है कि नहीं सच बोल। छोटा सा दूध तेरे को, छोटा। अच्छा एक दिन बैठता हूँ तेरे बाप के साथ, दो तीन पैग पिलाता हूँ, डाउरी की बात निकालता हूँ, देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। म्यूजिक ऑफ कर, इम्तियाज मेन गेट बंद कर, किसी ने गोली चलाई है। फ्रांसिस मॉडर्न कर ले एरिया, वायरलेस का तार बंद कर। नमो नमो, अरे नमो नमो, अरे एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर शिंदे को बुलाओ। नो शी इज डेड। आपको बोलना मैं आया हूं। जी सर। ऑल राइट। हेलो, अंदर बिछो से। जो मैंने अभी तक बताया था आपको, अभी भी क्राइम ब्रांच में काम करना चाहते हो? यस सर। ओके, सर
ए नारायण सर, वो जोगेश्वरी के केस का क्या हुआ? सर जोगेश्वरी का तुझे बोला था ना? हाँ सर, वो असगर का अब तक पता नहीं चला सर। बस ए फ्रांसिस, वो देशमुख का स्टेटमेंट लिया क्या? वो अभी तक कोमा में है। वो जब भी देखो कुछ काम बोले तो बहाना बनाता है। चाय पिलाओ उसको, कोमा से बाहर आ जाएगा। मेरे को भी पिलाओ। वो बच्चा किधर है? चाय वाला आया नहीं सर, ये फ्रांसिस ने उसका पैसा नहीं दिया। अरे उसको बोला था महीने के महीने आने को, वो हर रोज आकर पैसा मांगता था, तो इसलिए उसको भरोसा नहीं होगा महीना भर तू टिकेगा कि नहीं। पीपी के फुगा हो गया, फूटेगा कब मालूम नहीं। चल चाय पिला दे सर। केशव चाय संग रे। वो प्रोड्यूसर बोला था ना, वो टकले है वो। हाँ वो हरीश मीरचंदानी से। हाँ वो कल ही दुबई से आया, आज उसको उठा लेना। वो जतिन को ले जाए साथ में सर। हाँ ले जा। ए जतिन जाएगा क्या? जी सर। जेब से हाथ निकाल, पॉकेट बिलियर्ड खेल रहा है क्या? क्या रहे? हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ सस्पेक्ट मिले हैं, उनके फोटो इसमें है, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बोल। खाली सुनने में अच्छा लगता है, देखने लायक कुछ बचा नहीं है। ये सामने समंदर की बात कर रहा हूं मैं। 2 करोड़ के ऊपर घुस गया ये घर बनाने में, अब यहां नाक बंद करके रहना पड़ता है। सी फेसिंग बोलते हैं लोग इसे, सी फेसिंग। सुबह उठकर सामने देखो तो सब लाइन में बैठे रहते हैं, उनका फेसिंग मिल जाता है। बीवी को पसंद नहीं आया इसलिए भाग गई गांव, यहां मैं अकेला। उधर सूरज डूबा, इधर मेरा गिलास भरा। पिएगा नहीं तो इस नाले के बास में जिएगा कैसे? बोल कैसे आया? पूछताछ करनी थी।
मेरे से? किस बारे में? आप ही के बारे में। उम्र 40 साल, वजन 70 किलो, हाइट 5 फीट 8 इंच, रंग काला। और कुछ पूछना है? फिरोज को भगाने का प्लान आप ही का था? कौन फिरोज? राजशेखर का शूटर, जिसने तेरी बीवी को तो मैंने अरेस्ट किया है। और आप? मैंने क्या किया? आपको मालूम है आपने क्या किया? मैंने फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मैंने क्या किया? आपने भगाया उसे। कौन बोला तुझे? क्राइम ब्रांच को किसी ने बोलने की क्या जरूरत है, सब समझ में आता है। ए, क्रिमिनल समझाए मुझे? कारपोरेटर हूं मैं। कौन बोला कि क्रिमिनल कारपोरेटर नहीं हो सकता? ए, ज्यादा बोल बच्चन नहीं। एक पुलिस वाला है करके इधर इज्जत से बिठाया, नहीं तो लात मार के भगा देता यहां से। कितना गुस्सा काय को करता है रे, तू भी तो राजशेखर के लिए काम करता है। बता फिरोज किधर? अरे कौन फिरोज, काय का फिरोज? एक कारपोरेटर का ऊपर चार्ज लगा रहा है तू? ये बड़ा बड़ा आग नहीं दिखाने का, मेरे को नोच लूंगा। हेलो। हेलो। यस सर। अभी आकर मिलो मुझसे। सर अभी इस वक्त जरा मैं। Is that clear? सर, बच्चे को लेकर घर जाना। अमन, इनके साथ जाना, घर में आता हूँ। This is sheer irresponsibility, Sadhu. सर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे मत बताओ तुम्हारा ड्यूटी के बारे में। सर, सभी जानते हैं वेलनकर राजशेखर का आदमी है। वो एक कॉर्पोरेटर भी है। इसलिए मैं चुप बैठा, सर ने तो घसीट के ले आता हूँ। भंगे सबूत के साथ? सर, बोलना शुरू करेगा, सबूत अपने आप सामने आ जाएगा। फिरोज को उसी ने भगाया है, राजशेखर के बारे में बहुत कुछ जानता है। कुछ दिनों पहले मलेशिया के लिए वीजा के लिए उसने अप्लाई किया था। लेट मी डू इट। नहीं, तुम क्राइम ब्रांच के सबसे जिम्मेदार ऑफिसर हो, नहीं कर सकते तुम। सर, इस डिपार्टमेंट के लिए मैंने 15 साल दिए हैं, मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं, ना तो मेरी नीयत पे शक किया। पहली बार मुझे कोई रोक रहा है। इस डिपार्टमेंट की वजह से मेरी निजी जिंदगी। There you are. This is personal. You are taking it personally. टाइप करके अपना रेजिग्नेशन भेज दूंगा। सीसी टू कमिश्नर, सीसी टू होम डिपार्टमेंट। बहुत गालियां दे रहा था आपको फिरोज, कह रहा था जैसे अम्मा को मारा वैसे आपको भी नहीं छोड़ेगा। ऑफ है साधु सर का सेल कभी बंद नहीं रहता। अरे तू कहाँ था, तेरे को मालूम पड़ा क्या? कैशो, सारा सामान स्टोर में डाल दे। तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया क्या? अपने नए चिप से ऐसे बात करते हैं? कैशो मिठाई लेके आ। साधु सर है? नहीं। हेलो अमन। हेलो। अप्पा कहाँ है? पता नहीं। ये प्लास्टर कब मिला? आज। अप्पा को बोलना मैं आया था। Thank you.
गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून इम्तियाज. हाउ इज योर बेस्ट? मुबारक हो. किस बात की? जो तो बनना चाहता था बन गया. अब आपके जाने के बाद किसी को तो बनना ही था सर. सूचक साहब ने मुझे काबिल समझा. मैं अमन को स्कूल से लेके आता हूँ. आजा कॉफी पीते. नहीं सर, कॉफी नहीं अभी. आजा. सॉरी सर, आपसे थोड़ी ऑफिशियल बात करनी थी. पुलिस बन के आया? मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन आई मीन इट्स ड्यूटी करने में काय का अफसोस. कुछ क्या? विलेनकर के बारे में बात करनी थी. बस जमीर के बारे में पूछ, फिरोज के बारे में पूछ, राजशेखर के बारे में पूछ. हेलो. आपने मारा उसको? किसको? विलेनकर. तुझे क्या लगता है? मुझे सूचक साहब को लगता है कि उसको आपने ठोका है. समझो ठोका होगा तो क्या करेगा, वैसे भी तो अपने लिस्ट पे था वो. हाँ वो. ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वेलनकर को आपने ठोका? चलो अच्छा हुआ, राजशेखर का एक आदमी तो ठोका आपने. चल बाद में फोन कर. मारा होगा तो फिर जो सूचक साहब बोलेंगे वो करना पड़ेगा सर. जो सूचक साहब बोलेंगे वो करो, फिर जाओ बात करो उनसे. उनको सब कुछ मालूम है, राजशेखर, उनका पुना, बात करो उनसे. वो जो बोलेंगे करो. शक्कर कितना? एक के दो चम्मच? नहीं कॉफी नहीं सर. दूध रखा है मैंने, पी के जाए. नहीं फिर करो सर. ओके सर. ओके. जल्दी रेडी करो सबका. अब किसको उठाना है? साधु आकाश. देखो ये ऑफिशियल मामला है, पर्सनल नहीं है. इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, समझ गए? किया साधु सर ने डिपार्टमेंट के लिए. क्या मिला? कुछ नहीं. ये और 18 साल काट लिए.
संजय जी टेरेस पर जाओ। किचन में देख उस कमरे में। साहब ने बोला अमन को पूना लेके जाने के लिए। पूना जा रहा है? चलो कैसे है? इतना देर लगा क्या रहे तेरे को? अरे क्या करूं, मेरा आदमी लोग अभी नंबर लेके आया तो फोन कर दिया। अबे ऐसे ढीले लोग काहे को रखता है? सब टाइट लोग पुलिस में भर्ती हो गए ना, बाकी जो बचे उन्हीं से काम चला लेना पड़ता है साहब। ये नंबर काहे को भर लिया था? चला ये नाटक बंद कर, जैसे कि तेरे को मालूम नहीं है क्या? फिर भी नंबर काहे को भर लिया? पुलिस जब नौकरी छोड़ता है तो सब कुछ छोड़ देता है, फोन गाड़ी वर्दी क्वार्टर सब कुछ। क्या करूं साहब, मैं कुछ भी कहूं ना, आप तो खाने को दौड़ते हैं। अभी नहीं खाने को दौड़ेगा, पुलिस में थोड़ी है, बोल जो बोलना है बोल। कितना मिलता था क्या? मैंने पूछा। हेलो हेलो, जो बोलना है बोल। मैंने पूछा कितना मिलता था पगार? तो एक्सट्रॉशन कॉल भेजने वाला है क्या? फिरोज कहाँ है? अरे क्या बोलूं साहब, मेरे आदमी लोग कब से उसे ढूंढने में लगे। कोर्ट से जब से भागा है पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जमता नहीं तो बोल, लटकाने का नहीं मेरे को। साहब ऐसा नहीं बोलने का, फिरोज मरेगा आपके हाथ मरेगा, अपना वादा रहा। बोल साहब, पप्पू बोल रहा हूँ, कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोल।
आइए सर। क्या कर रहे थे आज? मालूम नहीं क्या तेरे को? क्या पहली बार कर रहे क्या? लेकिन क्या टपकाने का ऑर्डर इनको? क्या इम्तियाज तो पागल बप्पल? पागल नहीं हुआ हूँ फ्रांसिस, मैं इन्हीं से ट्रेनिंग लिया ना हमने। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, क्रिमिनल को छोड़ने का नहीं, उधर ही टपकाने का, उधर ही वही करने जा रहा हूँ मैं। फ्रांसिस हट, मुंबई से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इंडिया से बाहर निकलना इतना आसान काम नहीं है। कर दे, तेरा एहसान नहीं भूलूंगा कभी। कल तक तो मेरा मुंडी काटने का बात कर रहा था। ये देख, ये हर एक बात का एक टाइम होता है, वक्त होता है, समझा ना? अभी यहाँ से वहाँ उड़की मारने का टाइम आ गया। क्या उड़की? क्या बोले आप? उड़की, उड़की मतलब उड़की, इधर से उधर उड़की मारने का टाइम आ गया। उड़की मतलब आप क्या मेरे से हाथ मिलाने का बात कर रहा है क्या? गवार ने लिख के दू तो पढ़ सकता है क्या, इसलिए बोल रहा हूँ, समझा ना? देख मेरे पास टाइम नहीं है, निकाल मेरे को यहाँ से, समझा के नहीं? देख कभी किसी के पास कुछ मांगा नहीं, किसी के पास कुछ मांगा नहीं, कभी किसी के सामने झुका नहीं चला। तेरे पास मांग रहा हूँ, दे दे, एक बार दे दे बस। तू बोलेगा वहाँ खड़ा रहेगा, कोने में बैठने को बोलेगा, कोने में बैठेगा, खिलासा भी बनकर। मेरे को फिरोज चाहिए, समझा ना? अरे हाँ दिया भाई दिया। हाँ बस बस, तू नहीं मारेगा उसको, मैं मारेगा। हाँ आप ही मार लेना उसे, मेरे लिए तो अच्छा है। उसे मारो, राजशेखर को भी टपका दो, मैं अकेला बस। ए, बस 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 बोल बच्चन, बस कर, चल जल्दी जल्दी काम कर मेरा। चलो ठीक है, एक नंबर लिख लो आप। हाँ एक मिनट, एक मिनट। साधु अगाशे समीर का गैंग में फ्रंट पेज पे छपेगा। लेकिन इसमें अपना क्या फायदा? कितना इंफॉर्मेशन रहेगा उसके पास, सोचो। पुलिस के बारे में, राजशेखर का गैंग के बारे में, पुलिस का एक नंबर का शूटर है वो। ना शूटर लोगों से तो 2000 टाइम अच्छा है ना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? साधु आकाशे के खिलाफ आपने शूटेड साइट का ऑर्डर दिया है? यस। उस क्रिमिनल ने पुलिस ऑफिसर इम्तियाज को जान से मारा है। क्रिमिनल? मामले की जांच किए बगैर ऐसा कैसे कह सकते आप? मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं ये बताने की अथॉरिटी अभी आपके पास नहीं है। में के
वेलंकर और इंस्पेक्टर इम्तियाज सिद्दीकी का कत्ल करके फरार हुए बर्खास्त क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर साधु अगाशी के केस ने आज एक नया मोड़ ले लिया है। सब इंस्पेक्टर जतिन शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों के सामने ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एनपी सूचक पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और उनके संबंध शायद अंडरवर्ल्ड से है। मुंबई पुलिस अभी तक साधु अगाशी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अभी अभी खबर मिली है कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एनपी सूचक ने उन पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद को अंतरविभागीय राजनीति का शिकार बताया है और स्वयं ही इस मामले पर जांच आयोग नियुक्त किए जाने की मांग की है। और फिलहाल साधु अगाशी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके संबंध भी शायद अंडरवर्ल्ड से हैं। सिंगल मार्ड लेते ना, मैं समझता था मेरे पास ही तेरा केस हिस्ट्री है। अरे साधु साहब, दोस्त के बारे में जानो ना जानो, दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अभी भी दुश्मन समझता है क्या? आपको जो भी साधु साहब बोलता था ना। अभी सीधा बैठना, वो घोड़ा निकाल के रख सामने। दिखा मैं एक दिन निकाल के रखना, अभी गौरत भरोसा नहीं है ना। अरे ये यार ले ले। कभी चलाया क्या? ये कह रहा था साधु साहब, आप मेरे दुश्मन थे जब मैं आपको साधु साहेब बोलता था। अभी दोस्त बन गए तो साधु बोलूंगा, कोई एतराज नहीं ना आपको? जिस आदमी ने तेरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो तेरे सामने नियत्ता बैठा है। नियत्ता मतलब इसमें तो मैगजीन है नहीं। वो एतराज करेगा तो मरेगा ना। क्या साधु साधु, साधु साहब नहीं, साधु काम को अच्छा लगा। मेरा पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। लाइफ चेंज होता है तो होने दो, मैंने हमेशा ऐसे ही किया।
लाइफ के साथ कभी इंटरफेयर नहीं। दूसरों के लाइफ के साथ इंटरफेयर करता है तो चलता है। क्या करे, अपुन का धंधा ही जैसा है क्या, है ना। लेकिन लेकिन अपुन ने अपुन के लाइफ के साथ कभी दखलअंदाजी नहीं किया, जो हुआ वो नहीं दिया। कसम से, कसम से। अरे आप ही सोचो, जो आदमी 200 का आबादी वाला गांव में पैदा हुआ, चौथी के आगे पढ़ा नहीं, आज उसके पास ये क्या है? ये क्या, ये क्या? स्ट्रेंथ। इसको स्ट्रेंथ नहीं, न्यूसेंस वैल्यू बोलते हैं। बोले तो अंग्रेजी का दो लफ्ज नहीं आता तेरे को। वो गोरी सहेली के साथ कैसा बात करते है? देख, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। मैं तेरे 22 लोगों को ठोका, फिर भी तेरे सामने बैठा हूं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। और ये तेरे 22 लोगों को मारने के बावजूद तूने मेरे को नहीं मारा, वहां से मेरे को लेके आया, मेरा देखभाल कर रहा है, नया कपड़ा पहनाया। अब तेरे दिमाग में चल रहा है कि इसका फायदा कैसे उठाऊं, इसको ऐसे इस्तेमाल करूं कि वैसे इस्तेमाल करूं। बंबई के पुलिस को झटका दिया, उनका टॉप का इंस्पेक्टर चुरा के लाया, अब इसको कैसे वापरूं मैं? ये सब गंदा सोच रहा है ना इधर, इसको बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू। क्या हंस रहा है हलकट? अभी ठोक सकता है तू मेरे को, फिर भी सामने बैठा हूं, स्ट्रेंथ फोर्स का आदमी हूं। काय का स्ट्रेंथ रे साधु, म्युनिसिपैलिटी का लोग कुत्ते खदेड़ते ना, वैसे तो तेरे को भगा दिया मुंबई से इन लोग। 20 साल फोर्स में काम किया तो क्या स्ट्रेंथ मिला तेरे को घंटा? वो आपका इम्तियाज, आपको कुछ मारने निकला। स्ट्रेंथ बोलते हैं, खुद की बीवी को नहीं बचा सका, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। डार्लिंग, डार्लिंग, नो डिस्टर्ब, दोस्त के साथ बात कर रहा है, सुबह तक कोई परेशान नहीं करेगा। हाँ, गुड नाइट। साधु, ये फोर्स का आदमी तेरे में जब तक जिंदा रहेगा ना, बहुत बहुत मुश्किल होगा साथ में काम करने में। रहने दे, रहने दे, दूसरा ग्लास ले ले। तो साधु, जब से जितना जल्दी हो सके भुला ले उसे, अच्छा रहेगा। हाँ, तेरे लिए भी, मेरे लिए भी। सॉरी। अरे जिस दिन मैं वो सूचक के मुंह पे इस्तीफा मार के आया ना, उसी दिन भुला दिया, मैं पुलिस का आदमी हूँ। अच्छा है, तू बोला बिल्कुल सही है, जो बीवी को बचा नहीं सकता, आएगा फोर्स का आदमी, सब भूल गया। टाइम के साथ सब भुला देना चाहिए, नहीं तो टाइम अपने को भुला देता है। फिलोसोफर हो क्या रहा? लेकिन एक बात नहीं भूलता ना, लेकिन एक बात नहीं भूल सकता, अपना दिमाग में बैठे। तुम्हें मेरे बीवी को नहीं मारना चाहिए था। बीवी को नहीं मारना चाहिए। बर्फ, अंडरवर्ल्ड में और पुलिस में एक बिन बोला, बिन लिखा करार होता है, फैमिली को हाथ नहीं लगाने का। तो करार तूने तोड़ा, काय को मारा ने मेरी बीवी को? भाभी बोलता था ना उसे, डायमंड का सेट देने वाला था। बर्फ की तरह आपको चढ़ गई क्या? तेरी उतर गई लगता है, पानी हो गया।
अभी तू सोचता होगा साधु को पता चला ये भी डेंजरस आदमी है, पलट के मारेगा, तो ये ले भर मैगजीन उसमें उतार दे मेरे भेजे में मार ले। मैं सिर्फ बोलता रहे क्योंकि मेरे को तेरे से काम करने का है, फिर साथ में काम करने का है, हैं? क्या है ये फोर्स गया फाड़ में, अभी अपने को धंधा करने का है, ठलना नहीं चाहिए, कोई गलत फहमी नहीं चाहिए। लेकिन गलत फहमी तो ऑलरेडी है आपको साधु साहब, फिरोज कोर्ट से भागा ही आपसे बदला लेने के लिए, आपने उसकी माँ को मारा, उसने अपनी बीवी को मारा, है ना? फिरोज कैसा मारेगा रे? अरे आपसे बदला लेना चाहता था वो। बराबर ना, मैंने उसके आंखों में पढ़ लिया था ये पलट के मारेगा। ऐसे ही किया उसने, मैंने चांस नहीं दिया उसको, क्योंकि जिस दिन फिरोज कोर्ट से भागा ना उसी रात को मैंने उसे ठोक दिया था। बीवी मरने के बाद जब तूने फोन किया कि ये काम फिरोज का है, उसी वक्त मुझे शक हुआ था। दूसरी बार जब मेरे बेटे ने कहा फिरोज का फोन था, मेरा शक पक्का हुआ, खाम खा मेरी बीवी मर गई। लेकिन मैं टूटा नहीं, फोर्स का आदमी हूं। सूचक हैज ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड, सब बातें न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में खुली होकर लोगों के सामने आ जाए। जमीर को मारकर तूने अंडरवर्ल्ड पुलिस और पॉलिटिशियन के एक बड़े नेक्सस को तोड़ा है, और ये बात कोर्ट में तेरे फेवर में जाएगी। आई पर्सनली मीट द होम मिनिस्टर एंड एक्सप्लेन यू हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड द रोल यू हैव प्लेड। सर, मेरे खिलाफ जो केसेस है वो वापस भी लिए जाएंगे, लेकिन मेरा जॉब तो मुझे वापस में मिलेगा, और होम मिनिस्टर से बात करके आपने वापस दिलवाया थी तो कितने दिन होता, फिर इलेक्शन आएंगे, होम मिनिस्टर बदलेगा, और वो होम मिनिस्टर ऐसा हो शायद उसको पहले मेरे जूते से मारा हो, या किसी अंडरवर्ल्ड वाले का दामाद है, वो मुझे चुप नहीं बैठने देंगे, सब बातें खुरेद खुरेद के निकालेंगे, फाइल ओपन करेंगे, केस ओपन करेंगे। इम्तियाज के मर्डर का केस मुझ पर है, वेलनकर को मैंने मारा, और ये सब मैंने इस्तीफा देने के बाद किया है, सो टेक्निकली आई एम क्रिमिनल। सर, हमने ये स्क्वाड किस लिए तैयार किया है? जो मुजरिम कानून के लूपहोल से छूट जाते हैं उसके लिए पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, उनको ख़त्म करने का। वहाँ इंडिया में बैठ के टहनियाँ काटने से क्या फ़ायदा, यहाँ बैठ के मैं जड़े काट सकता हूँ, जाऊँगा यहाँ से राजशेखर को मिलूँगा, है हेलो करूँगा, देखता हूँ क्या होता है, हो सकता है बीच में कुछ भी मेरे को रॉन्ग समथिंग, यू नो, आई डोंट माइंड, आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। आप ही कहते थे ना, वंस अ पॉप ऑलवेज अ पॉप। Would you like to have coffee? Coffee. सर, एक फेवर चाहिए आपसे, आप तो जानते हैं अमन उसकी मौसी के साथ पुणे में रह रहा है, उसका ख्याल रखिएगा और कह दीजिएगा मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू।
हूँ।